ऑफिसर राहुल, यस सर। इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं। आप आंच को ठीक से देखिए और उसके बाद उसमें सूखी लकड़ियां और पत्ते डालिए, वरना आग इतनी बढ़ जाएगी कि खाने के साथ साथ पूरा बंबू भी जल जाएगा। सर, जंगल की सबसे बड़ी सीख ये होती है कि बिना किसी साधन के हम यहां पर जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में जिंदा रह सकते हैं जब हमारे पास खाना पकाने के लिए ना तो बर्तन हो और ना ही राशन। तो बर्तन ना होने पर हम इसी तरह बैम्बू के अंदर चावल और दाल बना सकते हैं। बताइए ऑफिसर, जंगल में राशन ना होने पर, हमारे पास अगर कोई भी साधन ना हो, खाने के लिए कुछ भी ना हो, तो हम अपने आप को इस जंगल में कैसे जिंदा रखें? सर, ड्राई फ्रूट्स खा के, वैसे भी इतने सारे लाए हम। वेरी गुड ऑफिसर राहुल। थैंक यू सर। मतलब इमरजेंसी पर निकलने से पहले आप अपने रक्सैक में वेपन की जगह ड्राई फ्रूट्स रखेंगे। एक्सीलेंट। सॉरी सर। जंगल एक्चुअली हमें बहुत बड़ी सीख देता है। ऑफिसर जाकिर। यस सर। बताइए कि ऐसी सिचुएशन में एक ऑफिसर को क्या करना चाहिए? पर मेरे हिसाब से एक सेकंड। ऑफिसर रोमा। सर, आप क्या करेंगी ऐसी सिचुएशन में? अगर ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप क्या करेंगी? सर, वो पेड़ से आप पूरा पेड़ खा जाएंगे? नो सर, आई मीन पेड़ से फल। वेरी गुड। फल तो कोई भी बता सकता है। ऐसी सिचुएशन में जंगल में जब एक ऑफिसर को सर्वाइव करना होता है, पेड़, पौधे, फल, रूट्स यानी कि जड़ें और छाल, इन सब को खाना पड़ेगा। Am I clear? Officers, अब मैं जो आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूं उसे बहुत ध्यान से सुने। इस जंगल में हर फल खाने लायक नहीं होगा। यहां पर फल बहुत जहरीले हैं, इसलिए उन्हें खाने से पहले आप उन्हें चेक करेंगे। सर, हम वो फल चेक कैसे करेंगे? खा के। ऑफिसर राहुल, अगर आपने एक बार जहरीला फल खा लिया तो आप सोचने लायक नहीं बचेंगे कि ये फल जहरीला था या नहीं। फल को खाने से पहले आप फल का एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे और उसके रेशे को अपनी जबान की टिप यानी कि जीभ के ऊपर रखेंगे, और अगर आपके मुंह में कड़वाहट महसूस हुई या फिर साबुन जैसा टेस्ट आया तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये फल जहरीला है और खाने लायक नहीं। अगर आपको किसी फल या फूल से बेरंग या दूधिया लिक्विड निकलता हुआ नजर आए, उसे आप खाने की कोशिश नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी बातों को अच्छी तरह से सुना होगा। सर, यस सर। अवसर संध्या, चेक कीजिए चावल पका है कि नहीं। जी सर। ये सब कहां गए? सर, लगता है खाने के लिए प्लेट्स का इंतजाम करने गए। भूख तो मुझे भी लगती है सर। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने कितने ही स्क्वाड्स को ट्रेन किया है, लेकिन आप जैसा भुक्कड़ स्क्वाड मैंने कभी नहीं देखा। थैंक यू सर। क्यों ऑफिसर संध्या, सही कह रही हो ना? सर, वो सर मेरी बाबू कहती है कि भूखे पेट भजन नहीं होते। वाह, चावल तो एकदम अच्छे से पके हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है। हाँ, पता है मेरी भाभी के हाथ के चावलों से मिला ऐसी खुशबू आती है। जल्दी खाना खाइए क्योंकि इसके बाद आपका पहला टास्क आपका इंतजार कर रहा है। ओके, चलिए। क्या खाना खाए? टास टास करके भूखी मार दी एंटर वाली ने। अगर भगवान मुझे एक दिन वरदान देना तो मैं यही मांगूंगा कि एक दिन मैं हुक्म दूं और ऑफिसर सिंह मेरे ऑर्डर्स फॉलो करें।
मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो है वहां पर, पर क्या हो सकता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।